कि दोनों तरफ ही जो खुराफाती लोग रहते हैं वो उस सिस्टम से इलिमिनेट हो गए। आप मुद्दा पर आधारित होके अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। विधायक भी अगर मान लीजिए कि कोई दो बार रह चुके हैं तो हम लोग को नया विधायक लाने का प्रयास करना चाहिए, नए व्यक्ति को। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था तो उसमें भी तो दल तो थे ही ना, इंदिरा गांधी का तूति बोलता था वो, लोग जब साथ में हुए वक्त हुआ ना। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि जनसुराज से 6 अधिकारी जो है, जो आईएएस रहे, कई सचिव स्तर पर रहे, बिहार प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जो हैं, वो जनसुराज से जुड़ी थी और अपने आप में एक बड़ी खबर बनी थी कि जनसुराज में जो है अब जो पूर्व आईएएस रहे हैं ऐसे लोग जुड़ने लगे हैं जिनको प्रशासनिक स्तर पर नॉलेज है। और जितने भी बड़े स्तर पर पार्टियां बनी हैं, जो नई पार्टियां आई, उनमें अक्सर देखा जाता है कि जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जब जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। जो 6 अधिकारी शामिल हुए थे उनमें से एक हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सुरेश कुमार शर्मा, बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, 1985 में ज्वाइन किया, भागलपुर में अधिकारी रह चुके हैं। उनसे हम जुड़ेंगे कि एक अधिकारी होने के नाते जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें जनसुराज ज्वाइन किया और जनसुराज के जरिए वो आखिर बिहार में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सुरेश कुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार देखिए, जो आदमी का जीवन काल को आप 3 भाग में विभाजित कर लिए, जब तक पढ़ता है वो खास आदमी रहता है, आम आदमी रहता है, जब कोई पद प्राप्त करेगा चाहे राजनीतिक करे चाहे पदाधिकारी बने तो खास हो जाता है, 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होकर फिर वो आम आदमी हो जाता है। हमारे जीवन का 2/3 भाग एक आम आदमी के रूप में रहता है। हम लोग जब नौकरी किए तो चूंकि एक बहुत ही साधारण परिवार से हम लोग आए थे तो पदाधिकारी के रूप में भी हम लोग बहुत आम आदमी बनकर रहे। लोग आए उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनको प्रेम से समझाना, उनको मार्गदर्शन करना। और मेरा अनुभव रहा है कि इतने लोग प्रशासन में आते हैं, उनको खाली आप रास्ता बता दीजिए, उनका 80% समस्या का सॉल्व समाधान वो कर लेंगे आपको, और वो जान जाएंगे। और लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पेड़ का काट के बेचना है तो हमको कहाँ जाना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। मैं ये पूछूंगा कि आप पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लाभ लंबा आपका अनुभव रहा, तो अब जाकर के क्या ऐसी जरूरत आपको लगी कि मुझे जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए? आप जब पूर्व अधिकारी रहे तो और पार्टियां थी, मेन स्ट्रीम पार्टी, बहुत सारी पार्टियां आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, आपने जनसुराज क्यों ज्वाइन किया? जो भी मात्र एक संगठन है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी भी नहीं, तो जनसुराज ज्वाइन करने का मकसद क्या रहा? कि जनसुराज जो कार्य कर रहा है यह बहुत साइंटिफिक अप्रोच में कर रहा है। जैसे इसको थोड़ा जैसे वो गांव में जा रहे हैं, लोग पदयात्रा कर रहे हैं, वहां के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, वहां के हर जिले से आपको सक्रिय लोगों की नाम, सक्रिय और निर्विवाद लोगों का नाम कलेक्ट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और वहाँ की समस्याओं को जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि गांव में आपको क्या समस्या है, उसकी रीडिंग कर रहे हैं और लोगों को यह जागृत कर रहे हैं कि आप मुद्दा पर आधारित होके अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। ये उनको शिक्षित किया जा रहा है, ये हमको बहुत अपील किया। पब्लिक अगर ये बात को समझ जाए कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और किस आधार पर हमको जनप्रतिनिधि को चुनना है, इतना उसको अगर एडुकेट कर दिया जाए तो समा फीजा बदल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां जाति ऐसी चीज है कि वो जाति नहीं है? नीतीश कुमार लवकुश समीकरण, आरजेडी एमवाई समीकरण, मुकेश सहनी महिला निषाद, चिराग पासवान पासवान ब्राह्मण समीकरण, ऐसे में प्रशांत किशोर आए हैं तो लगता है कि बिहार की जनता स्वीकार आप लोगों को करेगी? बिहार के पिछड़ेपन का एक मूल कारण है कि हम बिहार कहने के लिए हैं लेकिन हम लोग विखंडित बिहार में रह रहे हैं। सोच के लेवल पर हम लोग विखंडित हैं, आप एक दूसरे के प्रति असमाधान में है, बल्कि कहिए कि दाह ईर्ष्या में है। और बिहार बिहार और बिहारी मुद्दा होना तो उसमें गौण हो जाता है। अन्य दलों की आपने बात कहा तो अन्य दलों में उनको तो देख रहे हैं, वो सतह में है, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, करने वाले हैं, लेकिन जो कार्य अभी तक सत्ता में कई दल रहे और उन लोगों ने
जो किया तो प्राथमिकता जिस चीज को उन्होंने दिया तो वो प्राथमिकता दिया, लेकिन अगर कुछ किया भी तो अगर समझिए कि जो कार्य हमको 5 साल में करना है उस कार्य को हम 15 साल में करेंगे, इसलिए कि लोग ही आपको जो सरकारें बनाते हैं वो बढ़िया से एडुकेटेड। मेरा सवाल यही है, क्या रणनीति है आप लोगों के पास कि आप आम जनता में मैसेज देंगे कि तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ जाति के नाम पर वोट लेती है, हम आएंगे मुद्दों की बात करेंगे, कैसे लोग आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या कुछ ऐसी रणनीति है आप लोगों की, क्या आप लोग जनता को समझा पाने में सफल हो पाएंगे? जो जिला स्तर पर जो पदयात्रा हो रही है जिसमें लोगों के नाम चयनित किए जाते हैं निर्विरोध लोगों को, उसमें कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसका आदमी उसको नहीं चुना गया है। अब कहिएगा कि अच्छा आदमी का पहचान आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं विक्रम में जब पदस्थापित था तो मालिक और मजदूर का मजदूरी को लेकर झंझट होता था, तो उसकी कमेटी हम बनाने गए थे, तो जमीन मालिक भी वहां थे, आपको मजदूर लोग भी थे, दोनों के डिमांड अलग अलग थे, उनका इच्छा अलग अलग था। तो जब कमेटी बनाना था तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए कि जो मालिक लोग हैं वो मजदूर में से अच्छे आदमी का नाम दीजिए 5, और मजदूर लोग जो मालिक में जो अच्छे लोग हैं 5 आदमी आप उनका नाम दीजिए। ऐसा करने से हुआ क्या कि दोनों तरफ ही जो खुराफाती लोग रहते हैं वो उस सिस्टम से इलिमिनेट हो गए, क्योंकि आपको क्योंकि मालिकों ने वैसे मजदूरों को चुना जो कि बिल्कुल स्वच्छ विचार के हैं, पॉलिटिक्स नहीं है उनको, मजदूरी से मतलब है। मजदूरों ने ऐसे मालिकों को चुना कि जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, मजदूरों के प्रति उसकी संवेदना है, वो कमेटी बनाए और आपस में बैठ के ही व्हील का मामला सुलझ गया। चलिए ठीक है सर, आपको थोड़ा पास करना चाहेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि जब आप अधिकारी के तौर पर रहे क्या काम करने में आपको परेशानी आई जो आप करना चाहते थे अधिकारी होने के नाते, और कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल प्रेशर था और आपको ये लगा कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते वो प्रेशर नहीं रहेगा और खुल के काम कर पाएंगे, इस तरह की कोई बात रही? हम राजस्व के पदाधिकारी ज्यादा रहे, जिसको अंचल अधिकारी कहिए, आपको अपर समाहर्ता कहिए, जो रेवेन्यू को ही देखता है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो महसूस किया कि नदियों के किनारे बड़े बड़े सरकारी जमीन अनाधिकृत रूप से लोग जोत रहे हैं, दबंग लोग जोत रहे हैं, और उसको पर्चा वितरण करने के लिए जब हम लोग कार्रवाई शुरू करते थे तो उधर आपको एक तनाव उत्पन्न हो जाता था कि मजदूर चाहते थे कि हमको एक एकड़ मिले, जो जोत रहा है बिना कागज का कहता है छोड़ कैसे देने, वहां का डोमिनेंट कास्ट है। तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग बहुत तरह से दबाव, बहुत पॉलिटिकल लोग कहीं से फोन करते थे कुछ मिस कर दीजिए, रोक दीजिए, अभी इस तरह की काफी प्रेशर आता था। यस यस, क्योंकि जो अनाधिकृत रूप से किसी सेवा का उपभोग कर रहा है तो दबंग रहेगा तभी करेगा, उसका पहुंच रहेगी उसकी, तभी वो करेगा पहुंच रहेगी, और उसके मानसिकता के लोग भी हैं तो जो कहीं कहीं से फोन करते थे इसको स्टॉप कर दीजिए। और मजदूरी में आप लोगों को बैकवर्ड होना पड़ता होगा? नहीं कभी नहीं। अच्छा, इसलिए कि मेरा काम है प्रस्ताव बनाना, प्रस्ताव बनाना सरकार में भेजना, जब वो अप्रूव करती है तो हम पर्चा देते हैं, पर्चा देते हैं उसके बाद जाकर उनको दखल कर लेकर आते हैं, प्रशासनिक सपोर्ट रहता है। लेकिन उसमें भूधारियों की तरफ से बहुत तरह का थ्रेटनिंग, बहुत तरह का प्रलोभन, आपको शाम को मिलने आ रहा है, हर एक रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, हम तैयार होकर आ रहे हैं, तो बहुत तरह का प्रलोभन लालच दे के और ये राजस्व पदाधिकारियों को बोलो नियंत्रित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन और वैसा ही लोग करते आए हैं। और हम लोग को ये महसूस हुआ कि राजस्व विभाग का काम में पहले सामने देखा है कि आप जमीन का मामला अपने से मजबूत आदमी से केस लड़ के देख लीजिए, वो मजबूत होकर गवर्नमेंट दे देना 80% केस में। हाँ, सवाल यही था सर, क्या वो सोच आपकी रही कि चलो भाई मैं अधिकारी के तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर है, अगर मैं राजनीति में आ जाऊंगा तो और ज्यादा लोगों की खुल की सेवा कर पाऊंगा, क्या वो सोच रही? हम लोग इनके साथ में राजनीति के मुद्दा से नहीं जुड़े हैं, इनका प्रोसेस साइंटिफिक है। हम लोग जानते हैं कि देखिए गरीबी उन्मूलन
जब परिवार का सदस्य जब चाह लेगा कि हम गरीबी से बाहर निकल जाए तो निश्चित रूप से निकल जाएगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। बिहार में भी यहाँ के लोग जब चाह लेंगे कि हमारे समस्या और हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो उसका निदान हम ही खोज सकते हैं, तो अभी बिहार आपको उससे निकलेगा। तो हम लोग ग्रासरूट लेवल पर लोगों को यही बता रहे हैं कि आप निकलना चाहते हैं तो आप वैसा सोच बनाइए, अच्छे लोगों को लाइए, अच्छा सोच बनाइए, सामूहिक रूप से कार्य कीजिए। पार्टी बनी नहीं है, एक संगठन ही है जनसमाज। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या आप लोगों की ऐसी कोई रणनीति है कि चुनाव लोकसभा का लड़ना है? प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2025 के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए, आपको ऐप पर जनरल सुराज से जुड़े हुए लोगों से यह पूछा जा रहा है बहुत बार कि 2024 का चुनाव जन सुराज को लड़ना चाहिए कि नहीं, तो मैंने उसमें आप नो का आंसर दे दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत है कि हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। हम जब बिहार की बात लेके चल रहे हैं कि हम जब बिहार की बात सोच रहे हैं तो हमको अभी भारत सरकार के स्तर पर जी अपने को क्या कहिएगा कि उच्छित्राव नहीं पैदा करना चाहिए। 25 तक जो बात है आपको 25 तक पद यात्रा पूरा हो जाएगा, ठीक है, हमको लोग मिल जाएंगे, डेमोक्रेटिक रूप से लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे दशा और दिशा पर चर्चा होगी, और वो लोग कहते हैं क्या कि मेजोरिटी कहता है डेमोक्रेटिक रूप में कि किसी दल के साथ नहीं जाना है, हम लोगों को स्वतंत्र रूप से पार्टी बना लेना है, तो उस पर विचार होगा। आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में नहीं लगे हुए? मना नहीं, बिल्कुल क्लियर कर दिया आप लोगों ने। मना लगने का मतलब है कि लोगों हम तो मतदाता है, हम तो कहीं के मतदाता भी ना, तो वोट देने, तो आप जैसे इसको लिंक कर रहे हैं कि सारण क्षेत्र में एक जो जनसुराज समर्थित जो जीते हैं जीते हैं, निश्चित रूप से जनसुराज की उनके साथ संवेदना रही है, उनके पास सहानुभूति भी है, और चूंकि वोटर भी हैं, तो वोटर हैं तो जब जागरूक वोटर हैं तो कहीं ना कहीं वोट देंगे, तो लेकिन ऐसे ही जगह वोट देने कि जो हमारा कारगर हो, कोई रिजल्ट निकाल, ठीक है। आप लोग साथ कह रहे हैं कि अभी बैठ के बात कीजिए सर, हम जब यह कह रहे हैं कि अच्छे लोग को हमको लाना है, अच्छी सोच के लोगों को लाना है, तो उसमें अगर कैंडिडेट फील्ड होता है 10 कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो उसमें कोई अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग जनसुराजी लोगों को अपील करेंगे कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये धरातल से उठे हुए आदमी। ठीक है, चलिए। अब एक सवाल पे कभी प्रशांत किशोर ने कहा था कि मेरे पास पूरा डेटा इकट्ठा है, अगर हमने उसको खोला तो जो इस वक्त विधायक हैं उसमें से 80% विधायक जिंदगी भर चुनाव लड़ने के लायक नहीं बचेंगे, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ उन विधायकों का आपके पास कुछ डेटा आप लोगों ने इकट्ठा किया है उनके करप्शन को लेकर के, या उन पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, क्या ऐसा कुछ है आप लोगों के पास जो किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अगर हम पोल खुलने लगेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में 80% विधायक चुनाव लड़ने के लायक नहीं बचेंगे? उन्होंने ठीक बात कहा, जनमत के लिए नपुंसकता है कि एक विधानसभा से एक ही आदमी 25 साल तक विधायक होता रहे, हमारा नपुंसकता नहीं है। कोई कितना भी बढ़िया हम शर्ट पहने, 20 दिन हम पहनेंगे उसको, 2 दिन में चेंज करेंगे। राजनीति में भी हमको जनप्रतिनिधि बदलते रहना, तावा भी रोकी पलटते रहना चाहिए। जी, जब तक यह नहीं होगा हम आदमी नहीं बदलेंगे। अब देखिए क्या होगा, 20 साल से जो विधायक है उसके साथ ठेकेदारी करने वाले सेट पैटर्न ऑफ लोग हैं, जब विधायक बदल जाएगा तो उसके साथ ठेकेदारी करने वाले लोगों का समूह बदल जाएगा, समूह बदल जाएगा, तो इन सभी को मिला जुला के हमारा यह मत है कि देश के स्तर पर जैसे अमेरिका में है कि देश का प्रमुख 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता है, हिंदुस्तान में भी ये बात हम लोग को सोचना चाहिए, और ये विधायक भी अगर मान लीजिए कि कोई 2 बार रह चुके हैं तो हम लोग को नए विधायक लाने का प्रयास करना चाहिए, नए व्यक्ति को। आपको जी, क्योंकि और दूसरी बात है कि इसमें मैं यह भी कहूंगा कि
आपको युवा शक्ति जो है हमारे राज्य में जो है यंग लोग जो 40 से लेके 45-50 के बीच में हैं, जो राजनीति में अपना तलाश कर रहे हैं, उनकी उनका जो है अब हम लोग कर क्या रहे हैं, मोटा मोटी आपको एक लाइन में बता रहे हैं कि हमारे समाज में गांधी का भी कमी नहीं है, जयप्रकाश की भी कमी नहीं है, लोहिया की भी कमी नहीं है, अंबेडकर की भी कमी नहीं है, कर्पूरी जी का भी कमी नहीं है। वैसे लोग हैं कि खोज के जब सबको वैसे लोगों को हम लोग निकाल लेंगे वो बिहार को बदलने के लिए कामयाब हो जाएगा। तो आप क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो राजनीति है वो बाहुबलियों की कहीं ना उसमें भरमार हो गई है, जिनमें एक डेटा आया था जिसमें कैबिनेट में जो बिहार मंत्री थे उनमें से अधिकतर लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या जनसुराज कभी इस तरह के लोगों को आश्रय देगी जिन पर करप्शन के आरोप हों, जो बाहुबली हो या आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो चुनाव जीतने के लिए? देखिए बाहुबली जो हमारा इलेक्शन का एक नियम है कि किसको हम दीवार करेंगे इलेक्शन लड़ने से, प्रैक्टिकल तो नहीं होता है ना, नियम है वो अपनी जगह नियम से ही होता है। पंकज निराला आपको उसमें दिया हुआ है कि कितना दिन तक का सजा याफ्ता चुनाव नहीं लड़ता, किस किस दफा में सजा याफ्ता होंगे चुनाव नहीं लड़ता। मान लीजिए कि अगर इसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप पर केस हो जाए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव के पहले आप दू हम सीजीएम कहते हैं आपका करियर खत्म, इसलिए वो संतुलन। लेकिन क्या जेल सुराज इससे बचेगी जिन पर गंभीर आरोप भी अगर दर्ज है तो उनसे दूरी बनाएगी जेल सुराज? एकदम निश्चित रूप से कि अभी जो है आपको एक विधायक को चुनाव लड़ने में उसको खर्चा 70-80 लाख रुपया है, ठीक है, और करोड़ों में भी कहीं कहीं है, तो उसी प्रकार के लोग इसमें इंटर कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, और पैसा है तो उनका स्रोत आने का क्या है, तो कोई कहता है कि बाहुबली है इनके पास पैसा है, कोई कहता है कि खानदानी धनाढ्य है इसलिए इनके पास पैसा है। तो आप लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास धन बहुत ज्यादा है, बाहुबल है, वैसे में जन सुराज कैसे इन लोगों से लड़ाई लड़ पाएगी? जनमत से जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था तो उसमें भी तो दल तो थे ही ना, इंदिरा गांधी का तूती बोलता था वो, लोग जब साथ में हुए तो ध्वस्त हुआ ना, तो ध्वस्त होगा लोग समझने लगेंगे। अब देखिए गांवों के लोगों की हम लोग क्या समझा रहे हैं कि देखो गांव का तुम्हारा एक एम रह गया है कि विधायक जिनके यहाँ तिलक में आके खाना खा के चले गए, इनके श्राद्ध में आए थे, उतने से सेटिस्फाइड खुशी आता है विधायक जी आवाए हम बस उतने से, इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, घर में उनके 5 आदमी का नौकरी नहीं लगा है, अब बेटी बहु पोस्ट पे पढ़ लिख के आज कहीं इंगेज नहीं हुई है उसका चिंता नहीं है, उस श्राद्ध में आके थे वो पूरा कह रहा है कि एकदम आए थे एकदम पूरा हमारा एकदम सीना गर्व से ऊंचा। ठीक है सर, लास्ट में सवाल पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि देखिए एक तरफ एनडीए है, भीड़ जो है वो दो मजबूत की तरफ जाए, उसको लगेगा अगर हम जनसुराज की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट कट जाएगा या वोट बर्बाद ना हो जाए, तो उसके लिए कोई तैयारी है कि जनता में मैसेज दे दिया जाए कि भाई 2025 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या हम लोग इस तरीके से कुछ करेंगे, तो उसके लिए रणनीति आप लोग बना रहे हैं, जब कर ले पाएंगे सम्राट चौधरी? जब हमारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे 2300 जिला से तो निश्चित रूप से 2025 के पहले इकट्ठा होने जाएंगे, 2025 अब उनमें डेमोक्रेटिक डिस्कशन होगा, डेमोक्रेटिक डिस्कशन होगा, उसमें ये बात आएगी कि करना क्या है या दृष्टि पथ क्या होगा इस दल का, अगर हम राजनीति में उतरते हैं तो हमारा दृष्टि पथ क्या होगा, तो दृष्टि पथ क्या होगा वो बनेगा, अब बनेगा तो उसको लेके फिर लोगों के बीच में हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे सुरेश कुमार शर्मा जी, इनसे लंबी बातचीत हुई। जनसुराज बता दें कि पिछले साल जो है 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत हुई थी और हजारों की तरफ चलना है, और ये कह रहे हैं हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, जब पूरी यात्रा हो जाएगी उसके बाद हम लोग बैठेंगे, और इसमें सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको अलग अलग क्षेत्रों से अनुभव होगा और दागदार लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे, और एक नई रणनीति के तहत बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, और उनका ये दावा है कि बिहार की जो आवाम है एक बड़ी तादाद में हमारी तरफ आकर्षित होगी। आप देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167 00। धन्यवाद।